Hi everyone, welcome back to my channel. So, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था HTML heading and paragraph क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं HTML style के बारे में। So, जैसे कि हमारी जो example लेते हैं, example से आपको बताते हैं, पुरानी जैसे मूवीज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहले की मूवीज क्या थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी, कोई कलर्स नहीं था, कोई इफेक्ट्स नहीं थी, बहुत सिंपल मूवी थी। फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, कलरफुल मूवीज आई, फिर धीरे धीरे उसमें एनिमेशंस, इफेक्ट्स ऐड हुए और अब काफी ज्यादा एडवांस बन चुकी है और धीरे धीरे अभी भी चीजें एड ऑन हो रही हैं। उसी तरह से हमारी जो पहली वेबसाइट थी वो क्या थी, हमारी सिंपल एचटीएमएल से बनती थी, उसमें कोई डिजाइनिंग कुछ नहीं होता था, एकदम प्लेन टेक्स्ट की तरह होती थी। सो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो बहुत बोरिंग लगती थी। सो धीरे धीरे उसमें फिर कलर्स एंड ऑल स्टाइल धीरे धीरे ऐड करी गई, फिर एनिमेशंस एंड अभी तो बहुत सारे इफेक्ट्स वगैरह। सो धीरे धीरे उस चीज को इम्प्रूव करा गया और अट्रैक्टिव बनाया। स्टाइल इज लाइक एक मैजिशियन है जो कि वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाता है। वैसे तो हमारी स्टाइल 3 types की होती है, बट वो हम CSS में कवर करेंगे। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारी है इनलाइन स्टाइल, जिसके लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। सो इसका जो सिंटैक्स होता है वो हमारा होता है टैग नेम, उसके अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम सारी जो है जो स्टाइल्स होती है वो मेंशन करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू के पेयर में। ओके, सो चलिए अभी हम चलते हैं अपने कोड पेन पे और वहां पे आपको कुछ स्टाइलिंग करके दिखाते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं अपने कोड पेन पे, यहाँ पे हम एक पेन क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ स्टाइलिंग देखेंगे, लाइक नहीं प्रो में नहीं जाना है हमें। यहाँ पे हम ले लेते हैं टैग नेम, डिव हो जाएगा हमारा, या सॉरी हेडिंग ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, रेहाना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल का यूज करेंगे, लाइक जैसे हमने लिखा यहाँ पे कलर रेड, ये हमारा रेड कलर आ गया। ठीक है, ऐसे हमें जैसे अब एक ही हम जो हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है उसमें मल्टीपल CSS यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉन्ट साइज 20 pixels, इनको हम सेपरेट करेंगे सेमीकोलन से। ओके, सो देखिए इसका फॉन्ट साइज छोटा हो गया, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे हम डिफरेंट जो स्टाइलिंग होती है वो यूज करते हैं और यहाँ पे हम मल्टीपल स्टाइल जो भी हमें ऐड करना है, लाइन हाइट हो गया 1.2, कोलन, सो आपको क्या करना है, सेमी कोलन से सेपरेट करना है। आप यहाँ पे मल्टीपल जैसे भी बैकग्राउंड कलर अगर हम करते हैं इसकी बैकग्राउंड कलर, ओके, ब्लैक, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। सो इस तरह से हम स्टाइलिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनसाइड HTML विद द हेल्प ऑफ HTML एट्रीब्यूट स्टाइल। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करें फॉर माय मोटिवेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, हैप्पी लर्निंग।